नौकर राजू के डीएनए टेस्ट में मैच हुआ है, क्या कहना है? देखिए, जहां तक मोहित जी का है तो हमारे नेता जी ने, माननीय अखिलेश जी ने पहले ही आशंका जाहिर कर दिया था, इसलिए डीएनए टेस्ट का मांग भी किया था। लेकिन अफसोस है कि पता नहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय बाबा जी आदित्यनाथ जी की विचारधारा इस प्रदेश के और देश के मुसलमानों के प्रति ऐसी विचारधारा क्यों है, ऐसी नाराजगी क्या है, ये बात समझ के बाहर है। और ये डीएनए का जहां तक सवाल है, ये तो बहुत पहले रिपोर्ट आ गई थी कि डीएनए में रिपोर्ट जो है निगेटिव आएगी, आई भी, और सरकार के लोगों को पता भी थी। और ये अगर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित भी किया गया होता इसको 30 तारीख तक पेश करने का, तो सरकारी छिपाई रहती, क्योंकि सरकार को पता था कि हमने बड़ा कार्रवाई भी इस पर कर दिया, उसके घर को भी ढहा दिया गया, बुलडोजर भी चला दिया, और रिजल्ट आया कि डीएनए में उसका कुछ आया नहीं, वो पूरी तरह इनोसेंट है, इनोसेंट है ना। तो इसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है। तो ये जो भी काम किए गए हैं ये अच्छे नहीं है, देश के लिए अच्छे नहीं, देश की एकता के लिए, आपदारी के लिए, भाईचारा के लिए और देश के सौहार्द के लिए ये बातें अच्छी नहीं है। और इस बातों का जब 27 में चुनाव होगा तो एक एक का हिसाब इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लेगी। एक बड़ा निर्णय आ गया बुलडोजर को लेकर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है अनधिकृत निर्माण दिलाने के लिए जो दिशा निर्देश बनाएगा वह पूरे भारत में और सभी धर्मों के लिए लागू होंगे। अदालत ने कहा है कि वह स्पष्ट कर देगी कि केवल इसलिए कि केवल कोई व्यक्ति आरोपी या दोषी है उस या संपत्ति की ध्वस्त, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा अनधिकृत निर्माण को गिराने के लिए वह जो दिशा निर्देश बनाएगा पूरे भारत में और सभी धर्मों के लिए लागू होंगे। अदालत ने कहा कि वह स्पष्ट कर देगी कि केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति आरोपी या दोषी है या संपत्ति को ध्वस्त करने का अधिकार नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये केवी विश्वनाथक की पीठ ने कहा है कि हम इसे सभी नागरिकों के लिए, सभी संस्थाओं के लिए या करके किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं होगा, क्या कहना है? हमें गौरव है और गर्व है अपने देश की न्यायपालिका पर। और तमाम ऐसे मुद्दे जो देश के लिए बहुत बड़े खतरे हो सकते थे, देश के लिए बिलगांव दौसा हो सकती थी, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्याय से, अपने निर्णय से उस समस्या का समाधान किया। तो इसी तरह जो बुलडोजर के संबंध में उन्होंने अपना फैसला किया, ये बड़ा सराहनीय है। इससे देश में आपसदारी, एकता, भाईचारा और जो अनेकता में एकता का सौहार्द देश में बना है उसको कायम करने में हमारे देश की न्यायपालिका सक्षम है, हम इसकी सराहना करते हैं। एक बार जो कार्रवाई हो जाती थी बुलडोजर को लेकर के, वो तो अब चीजें खत्म हो चुकी है। कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय राष्ट्रहित में है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए है और देश को एक सूत्र में बांधने के लिए है। देश में भाईचारा, आपसदारी, सौहार्द के वातावरण को कायम रखने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने, माननीय न्यायपालिका ने देश हित में बहुत बड़ा काम किया है,
इसकी कार्रवाई कितनी भी की जाए कम। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।